हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है हाउ डू फिशेस ब्रीथ अंडर वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कभी ना कभी हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम चाहे कितनी बार भी कोशिश कर लें, पानी के नीचे नॉर्मली सांस नहीं ले सकते, लेकिन मछलियां ऐसे आसानी से कर लेती हैं। तो वे ऐसा कैसे कर पाती हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि क्या आपने कभी कोई मछली पाली है, और साथ ही अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आइए चले वापस वीडियो पर। हालांकि मछली अपने जीवन को पानी के नीचे व्यतीत कर सकती है, फिर भी उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सांस लेने वाली हवा की बजाय मछली को पानी से अपनी ऑक्सीजन प्राप्त करनी होती है। इस प्रक्रिया में अब्सॉर्प्शन सरफेसेस से गुजरने के लिए पानी की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, ताकि उनके मुंह और गिल्स का उपयोग करके उनके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। मछलियों के गिल्स पानी से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने के लिए एक पंप की तरह काम करते हैं। जितनी अधिक सरफेस एरिया मछलियों का होगा, उनके लिए गिल्स से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करना उतना ही आसान होता है। अगर गिल्स पर त्वचा पतली है तो वह भी ऑक्सीजन अब्सॉर्प्शन में मदद करता है। गिल्स के ऊपर से गुजरने वाला ब्लड गिल्स के ऊपर से बहने वाली पानी की विपरीत दिशा में पंप किया जाता है। इससे ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर पानी में ऑक्सीजन के स्तर से कम हो सकता है। ऑक्सीजन हमेशा जहां भी ऑक्सीजन की कमी होती है वहां जाना चाहती है, यह उसकी प्रवृत्ति है। ऑक्सीजन तब हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को वितरित करता है। जब मछली के शरीर में ऑक्सीजन चलती है तो इन क्षेत्रों में फैल सकता है जहां बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर गलफड़ों या गिल्स के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। भले ही ये मछली से इतने अलग है, फिर भी हमारे पास भी एक ही बुनियादी शारीरिक कार्य है, जो कि है सांस लेना, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। लेकिन जैसा कि हमने जाना, शारीरिक विशेषताओं के कारण मछलियां पानी के नीचे सांस ले पाती हैं और हम नहीं। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाउ डू फिशेस ब्रीद अंडर वाटर से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियां मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार।